हाल ही में तमिलनाडु में 12वीं क्लास के स्टूडेंट ने बार बार बॉडी शेमिंग करने वाले अपने ही क्लासमेट का मर्डर कर दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग को लेकर अच्छी खासी बहस छिड़ गई है। बॉडी शेमिंग यानी कि किसी भी व्यक्ति के रंग, रूप, वेट या शेप का मजाक बनाना। लेकिन मजाक मजाक में कही बात इंसान को स्ट्रेस, डिप्रेशन और गुस्से में डाल सकती है, जिसे बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर को लेकर इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शानू श्रीवास्तव का कहना है कि आजकल ये प्रॉब्लम बॉलीवुड से लेकर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज के बच्चों तक में देखी जा रही है। इसकी वजह से ट्रोल होने वाले लोगों के मेंटल हेल्थ पर काफी गहरा असर होता है। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें अपनी बॉडी को लेकर के कोई भी इंसान इतना कंसर्न हो जाता है कि उसके दिमाग में ऑब्सेसिव थॉट्स आने लगते हैं। बार बार अपनी बॉडी को करेक्ट करने के थॉट आने लगते हैं। किसी को लगता है मेरे बाल ठीक नहीं है, किसी को लगता है मेरा फेस ठीक नहीं है, किसी को कुछ भी थॉट आ सकता है अपने को खूबसूरत बनाने का, अपने को अपनी बॉडी को बेहतर करने का। बॉडी शेमिंग की वजह से इंसान को शर्मिंदगी और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस हो सकता है, जिससे स्ट्रेस या डिप्रेशन बढ़ता है। साथ ही व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगता है, जिससे पैनिक अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए परेशान होने की जगह इस प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखें। खुद की तुलना किसी और से ना करें, अपनी कमियों को पहचान कर उसे दूर करें या उससे डील करने के बारे में सोचें। दूसरों के कमेंट को नजरअंदाज करें। बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर से परेशान लोग बार बार खुद को मिरर में देखते हैं और सुंदर लगने के लिए कई घंटे बर्बाद करते हैं। साथ ही ऐसे लोग अपने आप में कमी महसूस करते हैं, अपने लुक को लेकर अनकंफर्टेबल रहते हैं, जिससे उनकी हेल्थ और डेली रूटीन खराब होती है और अपनी पर्सनैलिटी से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो अगर आप या आपका कोई परिचित भी बार बार खुद को मिरर में देखने, अपने स्टाइलिंग, मेकअप या कपड़ों से अपनी खामियों को छिपाने की कोशिश करता है, तो उनसे बैठकर उनकी परेशानी के बारे में बात करें, खुद से प्यार करें और नेगेटिव थॉट से दूर रहें। नई स्किल या एक्टिविटी सीखें और खुद को बिजी रखें। साथ ही जरूरत पड़ने पर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। और हाँ, नोबडी इज परफेक्ट, इसलिए खुद को किसी से भी कंपेयर ना करें। आप जैसे हैं बेहतर हैं, इसलिए किसी के भी कहने पर खुद पर सेल्फ डाउट ना करें। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।